पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कमाल हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आप लोग यकीन मानो आज की ये वीडियो आप लोगों को भी पूरी तरीके से शॉक्ड कर देगी, क्योंकि जिस आर्मी ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है अब अचानक से उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने पाकिस्तानियों को खुश होने का मौका दे दिया है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान के हाथ ये खजाना लगा कैसे। दरअसल आप लोग द प्रिंट के आर्टिकल में ये देख सकते हो जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जमकर तारीफें की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ $25 बिलियन की एक डील साइन की है और इस खबर के आते ही पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट दहाड़ने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की कंगाली संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले $25 बिलियन से खत्म हो जाएगी, या पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ हद तक ठीक होगी, या फिर पाकिस्तान को ये $25 बिलियन भी कंगाल होने से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर यूएई और पाकिस्तान के बीच में जो डील साइन हुई है वो है क्या। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कैश ट्रैप हो गया है, यानी कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कैश की किल्लत आ गई है और पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से कंगाल हो गई है। इसलिए पाकिस्तान लगातार दुनिया भर के देशों से कर्जा मांग रहा है, फिर वो चाहे चाइना हो या फिर IMF ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में चाइना का सबसे बड़ा हाथ है और चाइना के CPEC प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान पर अब इतना कर्जा चढ़ गया है जिसका ब्याज देने में अब पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। अब पाकिस्तान की इसी कंगाली को देखकर पाकिस्तान को खरीदने का प्लान बनाया है, इसलिए अब यूएई की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर $20 से $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, जिसमें पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर से लेकर हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर भी शामिल होंगे, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट तो जरूर मिलेगा। हालांकि ये कहना पूरी तरीके से मुश्किल है कि पाकिस्तान इस कर्ज के दंदल से बाहर निकल पाएगा। आपको बता दें कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ कई बड़ी डीलें भी साइन की हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कई $1 बिलियन का चूना लगने वाला है, क्योंकि इस समय यूएई और सऊदी के बीच में एक नई जंग छिड़ी हुई है। इसलिए अब ये दोनों ही देश अरब के देशों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दुनिया रीयूजेबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, वैसे ही ये दोनों देश स्पोर्ट के फील्ड में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता एग्जांपल आप लोगों ने देखा था कि सऊदी ने भारत के IPL को $multi-billion का ऑफर दिया था और अब यही यूएई पाकिस्तान में कर रहा है। क्योंकि अगर यूएई को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है और अरब के देशों में खुद को ताकतवर बनाना है तो उसे ऑयल को छोड़कर दूसरे देशों में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। और को लेकर अब पाकिस्तान से एक बड़ी अपडेट आई है, जहां पर 2025 में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान की जगह UAE में होगी, यानी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड तरीके से UAE में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का खर्चा उठा नहीं सकता। इसलिए अब UAE पाकिस्तान की कंगाली का फायदा उठाकर अरबों रुपए कमाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान UAE की इस डील में आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या मतलब है। इस डील को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इस डील से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब पाकिस्तान में सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कार्यभाग प्रधानमंत्री अनवरुल हक को कोई पूछ भी नहीं रहा। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि पाकिस्तान इन $25 बिलियन से कंगाली से बच जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।